नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। आपके साथ मैं हूँ रेणु कैलाश। नमस्कार, मैं हूँ भुवन शर्मा। हरियाणा की आवाज वो मंच जो उठाता है आपसे जुड़े मुद्दे, उन पर लेता है आपकी राय और बनता है आपकी आवाज। तो हरियाणा की आवाज में आज बात आर्थिक तंगी के आगे बेबस सपनों की। रेशु मित्तल, महिला बॉक्सर 16 साल की, जिसके सपनों ने दम तोड़ दिया परवान चढ़ने से पहले। जहां रेशु का मेडल से लेकर मेट तक का यह सफर, 16 साल की रेशु मित्तल ने आर्थिक तंगी के चलते अब प्रैक्टिस करना छोड़ दिया है। नई खेल नीति के बाद सूबे के खेल मंत्री ने बड़े जोर शोर से कही थी सरकार ने नई खेल नीति बनाने का ऐलान कर दिया, उसे बना दिया, लेकिन क्या वो नई खेल नीति खिलाड़ियों के काम आ सकी है? प्रदेश में महिला खिलाड़ियों की खराब स्थिति किसी से छुपी नहीं है। कुश्ती खिलाड़ी गीतिका जाखड़ के मुताबिक महिला खिलाड़ी को हर कदम पर संघर्ष करना पड़ता है। सरकार की नई खेल नीति के तहत प्रतिभाशाली युवाओं को आगे लाने का प्रावधान है। ऐसे में सवाल यह है कि करोड़ों खर्च के बाद भी क्यों दर दर भटकते हैं खिलाड़ी? क्या आईपीएल की चमक के आगे दूसरे खेल धुंधले हो जाते हैं? क्या कागजी पन्नों में समट कर रह गई है सरकार की नई खेल नीति? इस पूरे मसले पर दीजिए अपनी राय हरियाणा की आवाज के इस मंच पर। जी हाँ, आर्थिक तंगी के आगे बेबस सपने, ऐसा इसलिए क्योंकि एक वाक्या जो सामने आया, रिशु का मेडल से लेकर मेट तक का सफर। हम आगे बढ़े उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। कपिल जी बताएं क्या राय रखते हैं आप? सर मैं कहना चाहता हूँ कि जो हरियाणा सर हरियाणा पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में खेल में अव्वल है और पूरे देश में हरियाणा का नाम भी रोशन किया है, पूरे विश्व में हरियाणा का नाम रोशन किया है, तो इसलिए जो खिलाड़ियों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए और खिलाड़ियों पर विशेष ध्यान देना चाहिए हरियाणा में। चलिए बहुत शुक्रिया आपका कपिल इस राय को साझा करने के लिए और हम तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। हरियाणा की आवाज आप ही का मंच है, फोन उठाएं, हमें बताएं क्या है आपकी राय। रिशु का मेडल से लेकर मेट तक का सफर, 16 साल की बॉक्सर रिशु की दर्दनाक कहानी। कुछ समय पहले रिशु के पिता की मौत हो चुकी है, मां की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आर्थिक तंगी की मारी रिशु पेट की आग बुझाने के लिए नौकरानी का काम कर रही। हरियाणा न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद सरकार ने रिशु को 1 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने का ऐलान किया है। कुश्ती खिलाड़ी गीतिका जाखड़ के मुताबिक महिला खिलाड़ी को हर कदम पर संघर्ष करना पड़ता है, जूझना पड़ता है। सरकार की नई खेल नीति के तहत प्रतिभाशाली युवाओं को आगे लाने का प्रावधान है। खेलों में योगदान देने वाली महिला खिलाड़ी को रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड देने का भी प्रावधान है। नई खेल नीति के तहत सरकार ने खिलाड़ियों का विशेष ध्यान रखने की दलील दी थी, लेकिन इसके बावजूद पंच मारने वाली खिलाड़ी को झाड़ू मारनी पड़ रही। जी हाँ, तो क्यों बाकी खेलों को क्रिकेट से कम आका जाता है? क्यों क्रिकेट की चमक के आगे दूसरे खेल धुंधले हो जाते हैं? क्या कागजी पन्नों में सिमट कर रह गई है सरकार की नई खेल नीति? क्या आप इस पूरी बात से सहमत हैं? इस पूरे मसले पर आपकी राय क्या है? ये टटोलने की हम कोशिश हरियाणा की आवाज के इस मंच के जरिए कर रहे हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर करोड़ों खर्च के बाद भी क्यों दर दर भटकते हैं खिलाड़ी? क्या आईपीएल की चमक के आगे दूसरे खेल धुंधले हो जाते हैं? क्या कागजी पन्नों में सिमट कर रह गई है सरकार की नई खेल नीति? जी हाँ, सवाल एक बार फिर से हम आपको बता दें, प्रदेश में महिला खिलाड़ियों की खराब स्थिति के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? करोड़ों खर्च के बाद आखिर क्यों दर दर भटकते हैं खिलाड़ी? क्यों बाकी खेलों को क्रिकेट से कम आका जाता है? क्या आईपीएल की चमक के आगे दूसरे खेल धुंधले हो जाते हैं? क्या कागजी पन्नों में सिमट कर रह गई है सरकार की ये नई खेल नीति? इन तमाम सवालों पर हरियाणा की जनता क्या राय रखती है, हरियाणा की क्या आवाज है, इसको आज हम जानने के लिए इस मंच पर इस मुद्दे को लेकर आए हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। विकास हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पर। विकास जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। नमस्कार मैडम जी। जी मैडम जी, ये आप बात, ये बॉक्सर है जी आप इनके दिखा रहे हो, ये किस के कारण हो रहा है ये जी? हरियाणा गवर्नमेंट के कारण हो रहा है जी। ये पीछे से थोड़े दिन पहले जी 15 अगस्त 2014 को जी 9870 जेबीटियों का चयन किया गया था जी, उनमें से 5920 केवल महिलाएं हैं जी। उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिए जा रहे हैं, महिलाएं सड़कों पर फिर रही है जी, यही हाल है। कोई प्राइवेट स्कूल में 2000 के लिए पढ़ा रहे हैं जी। तो ये गवर्नमेंट को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए जी मैडम जी, महिलाओं की दुर्दशा जी हरियाणा गवर्नमेंट नहीं कर रखी है जी। चलिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रणधीर हमारे साथ हिसार से जुड़ गए। रणधीर जी बताएं क्या राय रखते हैं आप? सर जब गवर्नमेंट के नोटिस में आ गया आपके चैनल के द्वारा जी, तो इनको गवर्नमेंट को दिक्कत क्या? 5 और 7
7000 के बीच में इस बच्ची का स्कॉलरशिप शुरू कर दें, सीएम रिलीफ फंड से कर दें, मंत्री जी खुद कर दें या डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दे दें। बात को वैसे ही बढ़ा रहे, 1,00,000 रुपया दे दिया, अखबार इस पर टीवी पे आ गई, फिर 1,00,000 तो फिर खत्म हो जाएगा साल बाद। कम से कम बच्चे का 10 साल का तो इंतजाम करो जी। चलिए बहुत शुक्रिया रणधीर आपका अपनी इस राय को हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपकी क्या कुछ राय है ये आप हम तक पहुंचा सकते हैं, नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, हमारी सभी फोन लाइंस खुली हुई हैं, फोन उठाएं, हमें बताएं आज के इस मुद्दे पर क्या है आपकी राय, प्रदेश में महिला खिलाड़ियों की खराब स्थिति के लिए, खराब हालात के लिए आखिर कौन है जिम्मेदार। सोनीपत से अगले दर्शक राम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राम बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। राम चलिए लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला इस कड़ी में शुरू हो चुका है और आप भी इसका अहम हिस्सा हो सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, सवाल एक बार फिर से कि प्रदेश में महिला खिलाड़ियों की खराब स्थिति का जिम्मेदार कौन है, इस तरह की प्रतिभा जिनको तराशना चाहिए, जिनको निखारना चाहिए, आज वो झाड़ू पोछा करने के लिए मजबूर है, तो आखिरकार सरकार की नई खेल नीति किस काम की, ये एक अहम सवाल। क्या करोड़ों खर्च के बाद भी दर दर भटकते हैं खिलाड़ी, ये नई खेल नीति की वजह से है, क्यों करोड़ों खर्च के बाद भी दर दर भटकने को मजबूर होना पड़ता है ऐसे खिलाड़ियों को, क्यों क्रिकेट की चमक के आगे खिलाड़ी या जो अन्य खेल हैं वो दब जाते हैं, क्या कागजी पन्नों में सिमट कर रह गई है सरकार की नई खेल नीति, इस पर आपका जवाब, आपकी राय टटोलने की कोशिश, नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। हमारे साथ रतिया से गोविंद कक्कड़ अगले कॉलर जुड़ गए हैं, गोविंद जी स्वागत है आपका, बताएं। नमस्कार जी, नमस्कार। गोविंद कक्कड़ से मैं ये कहना चाहता हूँ जी, सरकार को देखो खिलाड़ियों की मदद करनी चाहिए, इतनी भी नहीं करनी चाहिए, कहीं देखो काफी करोड़ों की, 2-2, 5-5 करोड़ की, वो तो गलत है। साफ से देखो सारा खेला का ध्यान, कुछ ऐसे खेल हैं जो हमारे पुराने वो हमारे खत्म होते जा रहे हैं। देखो महिला जो लड़की काम कर रही है तो काम तो देखो घर का करना चाहिए, खेल में भी रुचि लेनी चाहिए, काम करना घर का कोई गृहस्थ का कोई बुरा नहीं है, लेकिन सरकार ध्यान रखे, एक सरकार के अंदर एक लॉबी है जो सरकार की नीतियों को फेल करने में लगी हुई है, वो नहीं चाहती कि ये सरकार कामयाब हो, यदि ये सरकार अपने कड़े कदम नहीं अपनाएगी, नीति पर सही नहीं चलेगी तो आने वाले दिनों में बड़ी दिक्कतें होंगी। सरकार ये ना सोचे कि अपने आप काम होंगे, इनको नजर रखनी पड़ेगी, अनिल विज की तरह कुछ भाग्य कुछ इनके ऊपर कड़े कदम भी उठाए कर्मचारियों के ऊपर, देखो इस नीतियों को लागू। बहुत शुक्रिया गोविंद जी आपका। तो सरकार के अंदर एक लॉबी है जो सरकार को ठीक से काम नहीं करने दे रही है ऐसा कह रहा है, या अलग अलग नजरिया हर लोगों का अपना अपना है, आप किस तरह से इसका पूरे मामले को देख रहे हैं ये एक बड़ा सवाल है। हिमांशु हमारे साथ अगले दर्शक, हिमांशु बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। बच्चू सिंह, चलिए बच्चू सिंह जी बताएं क्या कहेंगे आप। मैडम जो ये खिलाड़ियों को ये देते क्या है, कुछ भी नहीं देते हैं, सर सरकार दे क्या रही है, कुछ भी नहीं दे रही है जी। अब ये बच्ची बेचारी इतनी मेहनत करी है, सब कुछ किया है, अब आगे क्या कर सकते है, कुछ भी नहीं, दूसरे के घर में नौकरी कर रही है बेचारी। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो सरकार की तमाम नीतियों से लोग नाराज हैं कि इस तरह के प्रतिभावान खिलाड़ी, चाहे वो महिला खिलाड़ी हों या फिर वो प्रतिभावान पुरुष खिलाड़ी हों, अक्सर देखा गया है कि इस तरह की खबरें सामने आती हैं कि खिलाड़ी को उसका सही मंच प्रदान नहीं किया गया। बड़े जोर शोर से कहा तो ये गया था कि नई खेल नीति के बाद हर खिलाड़ी हर दबे कुचले प्रतिभावान खिलाड़ी को आगे लाने का काम किया जाएगा, लेकिन जब तक भुवन यूं कहें कि वो खबर सुर्खियों में नहीं आती या ऐसे खिलाड़ियों की दास्तां मीडिया सामने लेकर नहीं आता, शायद ही सरकार की नजरें इनायत इन पर हो। तो सवाल ये है कि करोड़ों खर्च के बाद भी आखिर क्यों खिलाड़ी दर दर भटकते हैं, क्या क्रिकेट की चमक के आगे दूसरे खेल धुंधले हो जाते हैं, क्या कागजी पन्नों में सिमट कर रह गई है सरकार की नई खेल नीति, इस पूरे मसले पर आपका क्या कहना है ये जानने की कोशिश। जो एक राज्य स्तरीय खिलाड़ी का अगर इस तरह का हाल है तो सरकार, क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, क्या सरकार का अनदेखी वाला रवैया है जिसके चलते ऐसे खिलाड़ियों को इस तरह के मामले से जूझना पड़ता है, सरकार क्यों आंखें बंद करके बैठी हुई है, ये तमाम बड़ा सवाल। जब तक मीडिया मामले को प्रमुखता से उठाता नहीं तब तक सरकार चेतती नहीं है, ये पूरा वाक्य इसकी एक वानगी है, इस तरह के तमाम मामले पहले भी आते रहे हैं, आपकी क्या राय है, आखिर नई खेल नीति की शुरुआत इस नई सरकार के साथ हुई लेकिन हालात जस के तस क्यों बने हुए हैं, क्यों नहीं इन खिलाड़ियों की तरफ सरकार का ध्यान जाता है। सवाल महिला खिलाड़ी से भी जुड़ा हुआ है, तो चूंकि महिला खिलाड़ियों को संघर्ष करना पड़ता है, ये बात गीतिका जाखड़ ने क्योंकि कुश्ती के खिलाड़ी हैं उन्होंने अपने बयान में कही है, उन्होंने कहा कि कदम कदम पर महिला खिलाड़ियों को संघर्ष करना पड़ता है, वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, कमोबेश यही मामला रिशु का भी सामने आया जिसको हरियाणा न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया और अब जाकर सरकार ने रिशु को 1,00,000 रुपए की मुआवजा राशि देने का
ऐलान किया है, यानी कि जब तक मीडिया नहीं दिखाएगा तब तक कुछ होगा नहीं। सरकार को जवाब देना होगा कि आखिर इस तरह के मामले कब बंद होंगे सामने आना। जी हाँ, तो करोड़ों खर्च के बाद भी क्यों दर-दर भटकते हैं खिलाड़ी, अहम सवाल। क्या सिर्फ कागजी पन्नों तक सिमट कर रह गई है सरकार की नई खेल नीति? कहाँ गए वो वायदे कि हर प्रतिभावान खिलाड़ी को आगे आने का अवसर दिया जाएगा, उन्हें प्रदान किया जाएगा वो मौका, जब ऋषि मित्तल जैसे लोग जो है इस तरह से अपेक्षित अपने आप को महसूस करते हैं। 16 साल की उम्र में अपने परिवार को खो देना और उसके बाद आगे की जिंदगी के लिए सफर तय करना, लेकिन उसके बावजूद ये हौसला रखना कि वो अपने देश और प्रदेश के लिए मेडल लाना चाहती है। संजय हमारे साथ अगले दर्शक। संजय बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। संजय आवाज आ रही है आपको? हेलो सर, बताएं संजय जी। हेलो, आपको अपनी राय रखें आप। हेलो संजय जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? हेलो, चलिए लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके लिए हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, सभी फोन लाइन हमारी खुली हुई हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अपनी राय इस पूरे मुद्दे को लेकर, क्या है आपकी राय, ये आप हम तक पहुंचा सकते हैं। सवाल एक बार फिर हम दोहरा दें, प्रदेश में महिला खिलाड़ियों की खराब स्थिति के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? करोड़ों रुपए खर्च के बाद भी आखिर क्यों दर दर भटकने को मजबूर होते हैं ये खिलाड़ी? क्योंकि बाकी के खेलों को क्रिकेट से क्या कम आंका जाता है इस देश के अंदर? क्या आईपीएल की चमक के आगे दूसरे खेल धुंधले हो जाते हैं? इस पर आपकी क्या राय है, ये आप हम तक पहुंचा सकते हैं। इसी के साथ एक अपील भी अपने तमाम दर्शकों से करना चाहेंगे, कृपया जब आप हमारे साथ जुड़े इस वक्त अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम रख लें, क्योंकि इससे सीधी बातचीत में बहुत दिक्कतें पेश आती हैं और आपका संपर्क हमसे टूट सकता है। जिस तरह से हरियाणा न्यूज पर एक खबर दिखाई गई, उसके बाद सरकार ने रीशु को 1 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने का ऐलान किया, लेकिन सवाल वही है कि आखिर जब इस तरह के मामले सामने आते हैं उसके बाद ही सरकार क्यों संज्ञान लेती है? खैर, क्यों ऐसा होता है कि करोड़ों खर्च के बाद भी खिलाड़ी दर दर भटकते हैं? क्योंकि ऐसे खिलाड़ियों और उनको सुविधाएं मुहैया कराने के नाम पर नीतियां बनाई जाती हैं, लेकिन ये नीतियां भी क्यों कारगर नहीं साबित होती है, ये अपने आप में एक अहम सवाल। इसी पर आपकी राय लेने का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं हरियाणा की आवाज के साथ। सिद्धेश्वर ऑटोमोबाइल्स एंड कॉर्पोरेशन ब्रिंग्स एन एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ द अमेजिंग ब्रांड निसान इन गुड़गांव। कार्स अवेलेबल इन ऑल मॉडल्स एंड परफेक्ट प्राइस एंड वर्कशॉप ऑल्सो हियर विद हाई टेक इक्विपमेंट्स अप्रूव्ड बाय निसान। शोरूम सिद्धेश्वर निसान टू होंडा चौक सेक्टर 34 प्लॉट नंबर 34 गुड़गांव हरियाणा। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaran Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call 9254-1366-4243-4445 or log on to www.mdkinternationalschool.com. MDK International School, nurturing your future today. गोपाराई मोटर स्टार्टर, अब मोटर स्टार्ट करें चुटकी में। और ब्रेक के बाद हरियाणा की आवाज में एक बार फिर से आपका स्वागत। हरियाणा की आवाज में आज बात करेंगे सरकार की नई खेल नीति, जिसके बनने के बाद उम्मीद जताई गई थी कि नई नई खेल प्रतिभाओं को शायद वो सब कुछ नहीं सहना पड़ा होगा या पड़ेगा जो कि पिछली सरकार में हो चुका है, लेकिन आज भी हालात जस के तस हैं। आर्थिक तंगी के आगे बेबस सपनों की बात कर रहे हैं। ऋषि मित्तल हरियाणा की 16 साल की एक खिलाड़ी,
जिसने स्टेट लेवल में गोल्ड मेडल जीता, लेकिन अब वो इस कदर परेशान है आर्थिक हालातों के चलते कि उसे जिस किराए के मकान में वो रहती है वहां पर झाड़ू पोछा करना पड़ रहा है। तो सवाल यही है कि क्यों करोड़ों खर्च के बाद भी खिलाड़ी दर दर भटकते हैं, क्या क्रिकेट की चमक के आगे दूसरे खेल धुंधले हो जाते हैं, क्या कागजी पन्नों में सिमट कर रह गई है सरकार की नई खेल नीति, क्यों बाकी के खेलों को क्रिकेट से कम आका जाता है, इस पूरे मसले पर आपकी राय क्या है, ये टटोलने की लगातार कोशिश। बाबू सिंह हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पर। बाबू सिंह जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। नमस्कार जी। इसमें ही खेल नीति में और सुधार करना चाहिए थोड़ा बहुत। हाँ। इससे ठीक होगा सर। मोहल जी सर नमस्कार। चले बहुत शुक्रिया बाबू सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, सभी फोन लाइन हमारी खुली हुई है। हरियाणा की आवाज आप ही का मंच है, लिहाजा आप ही से जुड़े मुद्दों को लेकर हम हर दिन इसको लेकर आते हैं, हर दिन आपके जुड़े आपसे जुड़े मुद्दे उठाते हैं। आज का मुद्दा नई खेल नीति से जुड़ा हुआ है। रिशु नाम की जो खिलाड़ी है उसको तमाम सरकारी सुविधाओं से महरूम रहना पड़ा और अपेक्षा का शिकार रिशु हुई है, जिसको प्रमुखता से हरियाणा न्यूज ने खबर के तौर पर दिखाया। सरकार उसके बाद चेती और ऋषु की 1,00,000 रुपए की मुआवजा राशि देने का ऐलान किया गया। तमाम बड़े सवाल अब खड़े होते हैं, महिला खिलाड़ियों के साथ इस तरह की दिक्कतें अगर पेश आती हैं, सरकार का उपेक्षापूर्ण रवैया अगर पेश आता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, इस पर क्या है आपकी राय, ये आप हमें बता सकते हैं। जी हाँ, इस पूरे मसले पर आप क्या सोचते हैं, क्या कागजी पन्नों में सिमट कर रह गई है सरकार की नई खेल नीति, क्योंकि इस नई खेल नीति को बनाने का मकसद यही था कि ग्रामीण अंचल की जो प्रतिभाएं हैं उनको उभार कर सामने लाना, ये प्रमुख बिंदु था अगर आप नई खेल नीति की बात करते हैं। लेकिन कहां गए वो तमाम खेल नीति बनाने के वक्त वो वायदे वो इरादे सरकार के, ये अपने आप में स्पष्ट हो जाता है। हालांकि सरकार अब चेती है, खेल मंत्री जरूर ये कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी प्रतिभाओं को सामने लाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं एक ईमानदार कोशिश भी नहीं कही जा सकती है सरकार की तरफ से भी, और ग्रामीण अंचल में जो प्रतिभाएं दबी हैं छिपी हुई हैं जिनको एक मंच नहीं मिल पाता है, उनको आखिरकार मंच कैसे प्रदान किया जाए, ये अपने आप में एक अहम सवाल। क्रिकेट के आगे भी दूसरे खेल वैसे ही दब जाते हैं और ऐसे में अगर उनको मंच भी नहीं मिल पाता है तो ऐसी प्रतिभाएं अनायासी और बेवक्त ही दम तोड़ देती हैं। तो ऐसे में सवाल यही है कि क्यों करोड़ों खर्च के बाद भी खिलाड़ी दर दर भटकते हैं, क्या कागजी पन्नों में वाकई सिमट कर रह गई है नई खेल नीति। जी हाँ, आपकी राय क्या है, ये आप हमें हम तक पहुँचा सकते हैं, नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। करोड़ों रुपए खर्च करती है सरकार खेलों पर, लेकिन बावजूद उसके हालात जिसके तस रहते हैं और तमाम वो खिलाड़ी जिनमें प्रतिभा कूट कूट कर भरी रहती है, लेकिन सरकारी अपेक्षा का शिकार अगर वो होते हैं तो फिर समझा जा सकता है कि किस तरह से हालात नए हैं। नई खेल नीति सिर्फ नाम गढ़ देने से क्या हालात बदल देगी सरकार, ये पूरी बानगी सामने आई, घटनाक्रम सामने आए, घटना सामने आई, जिससे आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। हरियाणा की जनता इस पूरे मामले को लेकर, रिशु के साथ जो पूरा मामला पेश आया इसको लेकर क्या राय रखती है, और रिशु तो सिर्फ एक नाम है, इसके पीछे तमाम वो फेरिस्त है खिलाड़ियों की जो अभी भी सरकारी सुविधाओं की ओर देख रहे हैं, सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार उन्हें प्रमोट करेगी और उन्हें वो प्लेटफॉर्म देगी, वो संसाधन देगी जिससे वो भी आगे बढ़ सके, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रदेश का नाम ऊंचा कर सके। कुश्ती खिलाड़ी गीतिका जाखड़ से जब हरियाणा न्यूज से बातचीत की तो उन्होंने ये माना कि एक महिला खिलाड़ी को बहुत संघर्ष करना पड़ता है और ये हौसला उस वक्त भी जवाब दे जाता है जब ना सिर्फ परिवार में ऐसे हालात हो, परिवार बिखर जाने से महिला खिलाड़ी जो है पूरे तरीके से टूट जाती है, और ऐसे में अगर उनको सरकारी मदद भी ना मिल पाए तो आप इतना समझिए कि उस प्रतिभावान खिलाड़ी की प्रतिभा वक्त के पहले दम तोड़ देती है। तो सवाल यही है कि फिर ऐसी खेल नीतियों का क्या फायदा जब ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ियों को बेमौसम बेवक्त इस तरह के कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़े कि पंच मारने वाले हाथों में वो पोछा पकड़ ले, सवाल अपने आप में बेहद अहम है। तो ऐसे में आपके राय की हमें दरकार कि करोड़ों खर्च के बाद भी आखिर क्यों दर दर भटकते हैं खिलाड़ी, क्या क्रिकेट की चमक के आगे दूसरे खेल जो है वो फीके पड़ जाते हैं, क्या कागजी पन्नों में सिमट कर रह गई है सरकार की नई खेल नीति, इस पूरे मसले पर आपकी राय क्या है, ये जानने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आप भी इस कड़ी का अहम हिस्सा हो सकते हैं। एक अपील ये भी, जब आप हमसे जुड़े उस वक्त अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखें और बहुत कम समय आपके पास भी है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप हमें कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल, और हरियाणा की बात हो तो रेणु, हरियाणा तो खेलों की धरती कहा जाता है, खिलाड़ियों की धरती कहा जाता है, ऐसे में यहाँ पर अगर इस तरह का मामला सामने आए तो समझा जा सकता है कि कुछ ना कुछ जो है वो सरकार की तरफ से लापरवाही यहाँ बरती गई है, सरकार जो है गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार किया हुआ इन खिलाड़ियों के प्रति, या फिर परख जो होती है, क्योंकि भारत में जितने खिलाड़ी, मैं समझता हूँ कि हरियाणा ज्यादातर खिलाड़ी भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देता है, जो कि भारत को प्रतिनिधित्व करते हैं और मेडल्स जीत कर लाते हैं। प्रदीप हमारे साथ अगले दर्शक गोहाना से।
प्रदीप बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। लगता है कि संपर्क हमारा टूट गया। लेकिन जैसा कि हम बार बार रिशु का उदाहरण दे रहे हैं कि रिशु के साथ जो पूरा मामला पेश आया है, मेडल राज्य स्तरीय वो खिलाड़ी रही है, मेडल उन्होंने जीता है, लेकिन अब काम मेट का वो कर रही है, नौकरानी का कर रही है, जिन हाथों में पंच होना चाहिए उस हाथों में पोछा और झाड़ू है। ऐसे में आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जो खिलाड़ी जिसके अंदर प्रतिभा कूट कूट कर भरी है, जो आपको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर आपको मेडल ला सकता है, आपके देश का नाम, आपके प्रदेश का नाम ऊंचा कर सकता है, उसके लिए इतना गैर जिम्मेदाराना रवैया आपका है, आप उस पर नोटिस उसको नहीं कर रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसको प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, उसको संसाधन उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की एक अपने आप में बड़ी जिम्मेदारी जिसको सरकार को समझना होगा। ऐसा नहीं कि हरियाणा न्यूज़ ने अपनी तरफ से कोशिश नहीं की, हरियाणा न्यूज़ ने इस पूरी खबर को प्रमुखता से दिखाया, उसका असर भी हुआ, सरकार ने 1,00,000 रुपए की मुआवजा राशि देने की बात रिशु को कही। जी हाँ, आज इस पूरे मसले को लेकर हमारे खुद रिशु मित्तल से जब बात हुई, कमाल की बात यह है भुवन जी कि उसका जो हौसला था वो हौसला आज भी बना हुआ है, वो चाहती है कि उसको आगे बढ़ने का प्लेटफॉर्म मिले। हमारे साथ अगली दर्शक रीतिका फोन लाइन पर। रीतिका जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं मैम। रीतिका हेलो जी, बताएं मैम क्या कहेंगे आप? मेरी बेटी ने वॉलीबॉल में नेशनल तक खेली है मैडम, हाँ। दो बार नेशनल खेल चुकी है, हाँ। और अब बीटेक भी कर चुकी है, प्लस टू के बाद कोई सुविधा नहीं दी इन लोगों ने, चाहे कांग्रेस सरकार आई है, चाहे चौटाला सरकार आई है, चाहे अब हमारी पंजाबी सरकार आई है, तो हम यही चाहते हैं कि अब बच्चों को बीटेक करने करके भी दर दर बढ़ कर उनके लिए मतलब गेम को इतना बढ़ावा देते हैं, बच्चा प्लस टू तक स्कूल में खेल रहा है और नेशनल लेवल तक खेल रहा है और फिर भी कुछ सुविधा नहीं देते, तो क्या फायदा उन चीजों का, बताओ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रीतिका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक अभिभावक के तौर पर दर्द और तकलीफ भी सामने आई कि जो लोग इतनी मेहनत करते हैं, जो लोग चाहते हैं कि खेलों में उनके बच्चों का भविष्य आगे बढ़े, वो पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं बाद में चलकर निराश हो जाते हैं और निराशा इस कदर कि जो बच्चे का भविष्य है वो भी कहीं ना कहीं, या जो उसका मोटिव होता है या जो एम होता है वो भी कहीं ना कहीं लक्ष्य से भटक जाता है। तो ऐसे में सरकार को भी सोचने और चेतने की जरूरत की उस नई खेल नीति का क्या फायदा जब ऐसी प्रतिभाएं बेवक्त ही दम तोड़ते। पलवल से बच्चू सिंह हमारे साथ है, बच्चू सिंह जी बताएं क्या राय रखते हैं आप? सर एक बात बताओ, हमारे हरियाणा के अंदर 45 90 एमएलए हैं जी, 90 सीटें हैं, इस बच्ची ये इलेक्शन में तो ये एक एक गाड़ी को लाख लाख दो दो लाख रुपए खर्च कर देते हैं, कितनी गाड़ियां कर देते हैं इकट्ठी, और इस बच्ची के लिए 50,000 रुपए एक एमएलए भी देगा तो भी 45,00,000 रुपए होता है। बिल्कुल, नहीं बंदोबस्त तो किए जाते हैं लेकिन वो वहां तक पहुंच नहीं पाता, ये यही अपने आप में एक सवाल है और इसी पर हम बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया बच्चू सिंह जी आप हमारे साथ जुड़े। तो तमाम कॉलर्स जो आज हमारे साथ जुड़े, तकरीबन एक बात जो कमोवेश अंतुगतवा सामने आई कार्यक्रम के आखिर में, हम कह सकते हैं कि सबने सरकार की तरफ पॉइंट आउट किया और ये कहा है कि सरकार का रवैया जो है वो ठीक नहीं है और ऐसे खिलाड़ियों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, इनको संसाधन जो पर्याप्त संसाधन है वो उनको उपलब्ध कराने चाहिए और शायद तभी नई खेल नीति का जो वजूद है या जो ये नीति खिलाड़ियों के हक में है वो वाकई खिलाड़ियों के हक और सम्मान में मदद कर पाएगी। चलिए इसी के साथ हरियाणा की आवाज में फिलहाल इतना ही, नमस्कार। नमस्कार।